अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल जो है वो केजिस का काम स्टार्ट हो गया था और तकरीबन जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो चुका है। आज जो है वो काम स्टार्ट हो जाएगा लेंटर का और जो प्लस्तर का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी रेत आनी है दोबारा से, बजरी आनी है, सीमेंट आना है और जो लेंटर डालने के लिए जो सामान होता है वो भी जो है ना आज ही आना है और आज ही इंशाल्लाह ये काम कम्प्लीट हो जाएगा। जी सरियों की जो कटिंग है वो कटिंग होके सरी जो है वो ऊपर आ गए हैं। ये हमारा सिंधी भाई है जिसने हमें इतनी देर वेट करवाया और काम इसकी वजह से जो है ना हमारा रुका हुआ था। हाँ भी काम तेरी वजह से रुका हुआ था काम। भाई मैं भी मजबूरी में था, क्या करें, चाचू जो ऐसे करते हैं फिर लड़ाई करनी पड़ती है ना। वो ना लड़ा, कब्जा खो रहा है इसलिए इस वजह से जो आता पड़ी हुई है वहाँ पे। कैसा बना ये माशाल्लाह फर्स्ट क्लास बना है। ये जो आपने जाली लगाई थी ये और बेहतर है ना, बहुत अच्छा बना है। सही बना है। हाँ जी, अभी इसमें मिट्टी डालेगी तो और खूबसूरत हो जाएगी। चलो पलस्तर बाहर से हो जाएगी सारी, अंदर से भी सही हो गया। हाँ जी जी, नीचे बैठी हुई टीम अपनी नीचे बैठी हुई और यहाँ से जो है ना मिट्टी जो है ना रेत सॉरी वो ऊपर आनी है और ये शहजादा जो है ना ये लेके आएगा नीचे से ऊपर। बब्बर शेर है ये हमारा और यहाँ पे सारा काम जो है फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। रेत ऊपर आ जाएगी, सीमेंट ऊपर आ गया है, बजरी ऊपर आ जाएगी, उसके बाद जो है लेंटर का काम स्टार्ट हो जाएगा और प्लस्तर का भी जो है वो काम स्टार्ट हो जाएगा। पहले प्लस्तर हो जाएगा उसके बाद लेंटर हो जाएगा। ये मैं एक लेंथ भी लेके आया हूँ पाइप की लेंथ लाया हूँ ताकि जो वायरिंग का काम है ना इस खुड्डों के अंदर जो एक बल्ब है वो भी लग जाए। एक बल्ब यहाँ पे लग जाएगा लेंटर के अंदर ही, एक बल्ब यहाँ पे आ जाएगा और एक बल्ब ही जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी जो है वो हम मिट्टी लेने आ गए थे क्यारी में और यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है वो काफ़ी अच्छी होती है, मतलब कस्सू बोलते हैं इसको। ये बर्ड्स के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है मिट्टी। है देखें ये काफ़ी बड़ी इनकी क्यारी का सेटअप है। यहाँ पे इन्होंने आगे मुर्गियों का सेटअप भी जो है वो रखा हुआ है। कभी भी जो है ना वो चिकनी मिट्टी है वो नहीं डालनी चाहिए अपने बर्ड्स के नीचे। ये जो मिट्टी होती है गर्मियों में ठंडा भी रखती है बर्ड्स को और ये बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती है और ये जमती भी नहीं है। तो जब भी आपने ये मिट्टी डालनी है कस्सू होता है इसी को जो है वो आपने डालना है हमेशा बर्ड्स के नीचे। तो क्यारी वाला सेटअप है, यहाँ पे इन्होंने भी जो है ना एक बहुत बड़ी जगह बनाई हुई है जहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी मुर्गियाँ रखी। मैं आपको दिखाता हूँ, इनको देख के जो है ना मेरा शौक जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह से मुर्गी और उसके बच्चे देखें माशाल्लाह से कितने कितने बड़े बच्चे उसके हो गए हुए हैं। और केजेस चेक करें, इन्होंने भी यही देखें कस्सू वाली जो मिट्टी है इन्होंने यहाँ पर वही डाली हुई है और यहाँ पे भी वही वाली मिट्टी जो मैं लेके जा रहा हूँ। तो माशाल्लाह सेटअप देखें इनका, ऐसे माहौल में जो है ना बर्ड्स जो है वो पलता है। दरख्त लगे हुए हैं, ठंडा माहौल है, मिट्टी है, धूप के लिए छांव भी मौजूद है। तो ये आप सेटअप चेक करें कितना ज़बरदस्त और ये भी सेटअप है। मेरे ख्याल से मुर्गे उन्होंने यहाँ पर अंदर जो है वो बंद किए हुए। तो सेटअप ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था, ऐसा सेटअप होना चाहिए और दिल खुश हो गया देख के मेरा। और अल्लाह ने चाहा तो आगे इन फ्यूचर में ऐसे ही हम भी सेटअप एक बनाएंगे। हाँ भाई ये उठा लेगा इंशाल्लाह, 50 किलो वाला है, उठा लूँगा। ठीक है भाई, नहीं ये देखें ये अभी हम क्यारी से मिट्टी लेके आए हैं तो ये 50 किलो का तोड़ा है और जवान ने लेके जाना है वो ऊपर। तो देखते हैं कि अभी ऊपर जो है वो लेके जाता ही नहीं जाता। चल पीछे जाते, तेरे पीछे पीछे हूँ मैं। और जी बब्बर शेर जो है वो चल पड़ा है ऊपर। ओह बहुत हिम्मत का काम है, देखें जी शहजादा बब्बर शेर। शहजादा लगा भाई, शहजादा आय हाय। हाँ भाई चीता लगा भाई, चीता 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 भाई।
सामान जो है तकरीबन ऊपर आ चुका है, बजरी भी आ गई है, मिट्टी जो अंदर डालनी है हमने वो भी ले आए हैं, रेत भी ऊपर आ गई है, सरिया भी आ गया है, बस अभी शटरिंग होनी है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि थोड़ी देर में जो है वो काम स्टार्ट हो जाता है। मौसम जो है आज वो बादल आ गया एकदम से, आज ही हमने लेंटर डालना है खूंटों का और आज ही जो है वो बारिश वाला जो है वो मौसम हो गया। अल्लाह करे बारिश ना हो वरना सारी मेहनत जो है वो ज़ाया चली जाएगी और मटेरियल में भी नुकसान होगा। उम्मीद तो मुझे यही लग रही है कि बारिश जो है वो नहीं होगी। देखें आप बादल देखें कितना आया हुआ, ये देखें फुल चारों तरफ से जो है इस वक्त वो बादल ही बादल हुआ है, बट मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्यों बारिश आने वाली है। खत्म हो गया नीचे से, साफ हो गया सारा। चलो जी सामान सारा आ गया ऊपर। हाँ जी झाड़ू झाड़ू फेर के सफाई करके आए। चलो पर शुरू हो जाओ फिर अपने यहाँ पे जिसकी शटरिंग होगी। शटरिंग करो ना, कैसे करनी है? फटे आएंगे भी। हाँ जी मिट्टी डालने का जो प्रोसेस है अभी वो स्टार्ट हो गया और शटरिंग के लिए जो फट्टे थे हमें चाहिए थे वो भी आ गए हैं। ये थोड़े से फट्टे हैं, इसकी भी हम शटरिंग करेंगे और मिट्टी जो है जगह कम है हमारे पास ना ऊपर, तो मिट्टी जो है हमने वो पहले ही डालना शुरू कर दिया। शटरिंग के लिए जो है ये ईंटें यहाँ पे लगा दी हैं हमने और यहाँ पे भी ईंटें लगा दी हैं, इसके ऊपर जो है वो शटरिंग हो जाएगी और उसके ऊपर फिर जो है वो लेंटर जो है वो डल जाएगा। आगे लगाओ, वहाँ पे लगाओ सुराख, इधर एक सुराख लगाओ और ये तूने इसकी क्या की है? देसी शटरिंग है, जैसे ये होती है तो फिर साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और चैनल अगर पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। नहीं जी बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसका डर था वही वाला काम जो है वो शुरू हो गया। अभी बारिश इतनी तेज़ नहीं है लेकिन फिर भी जो है ना काम में रुकावट पड़ गई है। देखें डालने की हमने कोशिश की है बट ये काम जो है ना ख़राब करेगा, अगर तो बारिश तेज़ आ गई तो फिर सारा काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और शायद काम भी ना हो सके। हाँ भाई, हाँ जी, क्या बारिश करा दी तुमने? अगर बारिश तेज़ हो गया तो फिर काम रुकावट आएगा भाई। यार यार नहीं ना सी, तुम क्यों बारिश करा रहे हो? बस ये शटरिंग का काम हमारा स्टार्ट हो गया, ये हमारी टूटी फूटी शटरिंग है बट ये शटरिंग होगी VIP, जब ये कंप्लीट होगा तो ये VIP सेटअप तैयार हो रहा है, सही है जी? हाँ जी इंशाल्लाह। तो ये जो हमारा VIP सेटअप है वो इंशाल्लाह तैयार होगा। शटरिंग थोड़ी सी अभी ऐसी हो रही है बट बारिश की वजह से काम रुक गया है, तो इंतजार कर रहे हैं कि बारिश के रुकने का, जैसे ही अल्लाह करे बारिश रुके उसके बाद काम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। फाइनली जी बारिश जो है वो रुक चुकी है बट अभी भी जो है वो बूंदाबांदी हो रही है, हमने जो है वो उतार दी है फ्लेक्स जो हमने लगाई हुई थी और मौसम देखें आप फुल बारिश वाला मौसम जो है अभी भी वो बना हुआ है और हमारा काम भी अभी तकरीबन फंस गया है क्योंकि हमारे पास फट्टे कंप्लीट नहीं हो रहे शटरिंग के लिए। इसकी शटरिंग तो तकरीबन कंप्लीट हो गई, अभी इसके लिए फट्टे चाहिए और इसके लिए भी अभी फट्टे चाहिए, तो फट्टों का इंतज़ाम अभी कर रहे हैं, देखते हैं कि फट्टे अरेंज होते हैं कि नहीं होते और नहीं होते तो उसके बाद क्या होता है, तो वीडियो पूरी देखते रहिएगा आप। बारिश जो है वो हल्की हल्की फिर से स्टार्ट हो चुकी हुई है बट ये है कि तेज़ नहीं हो रही है और शायद आपको पता नहीं फील हो रहा है कैमरे में मोबाइल में या नहीं हो रहा, बट वो देखें सामने जो है वो धूप भी निकला है और बारिश भी जो है वो हल्की हल्की सी हो रही है। उम्मीद है कि ये बारिश अभी थोड़ी देर में रुक जाएगी, कंप्लीट रुक जाएगी और काम जो है हमारा कोशिश होगी कि आज ही कंप्लीट कर दें इसको। फाइनली जो फट्टे जो हैं वो बाजार से लेके आने पड़े हैं किराए के ऊपर क्योंकि वैसे जो है फट्टे पूरे नहीं हो रहे थे, तो अभी ये जो फट्टे हैं ये बाजार से लेके आने पड़े हैं किराए पर ताकि शटरिंग जो है वो इसकी कंप्लीट हो सके।
फाइनली जो शटरिंग है वो हमारी वो कंप्लीट हो गई है। चेक करें ऊपर हमने गत्ते लगा दिए, शटरिंग हमारी कंप्लीट हो गई भी है, लेकिन जो है वो बारिश देखें आप, ये देखें बारिश जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गई है, मौसम फिर बारिश वाला हो गया। अभी कंप्लीट बादल नहीं है यहाँ पे, खुला भी होगा और यहाँ पे अगेन बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। अभी जो है मसाला वगैरह बनाने लगे हैं, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये लेंटर सीधा कैसे डलेगा, टेढ़ा मेरा हुआ है देखें सारा, तो इसके लिए जो है ये रेत गीली करके तैयार किया, और ये गीली रेत जो है जब इसके ऊपर आ जाएगी तो ये बिल्कुल जो है ना लेवल के ऊपर आ जाएगा। तो ये बड़ा देसी सा एक तरीक़ेकार था लेंटर डालने का, तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और जब ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा तो ये VVIP लेंटर जो है ना डलेगा, तो आप देखिएगा ये कैसे तैयार होता है। अभी जो है ना वो रेत गीली करके इसके ऊपर जो डालेंगे ताकि इसका लेवल हो जाए, और इसके ऊपर जो है फिर वो लेंटर डल जाएगा। ये देखें इसी तरीके से ये रेत जो है सारी इसके लेंटर के ऊपर आ जाएगी, और फिर उसके ऊपर जो है ना माल तैयार करके लेंटर जो है कंप्लीट हो जाएगा इसका। ये देखें जी माशाल्लाह से बेस कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। जिस वक्त फट्टे लग रहे थे उस वक्त आपको शायद आइडिया, आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या काम होने जा रहा है, बट देखें VVIP काम हो गया और बेस जो है वो कितनी ज़बरदस्त जो है वो इसकी तैयार हो गई है। अभी इसके ऊपर जो है वो सरिया आ जाएगा, और उसके ऊपर फिर जो है वो अंदर हमने जो बर्फ़ लगाने हैं उसकी भी साथ ही वायरिंग हो जाएगी, और फिर इसके ऊपर जो है कंक्रीट तैयार हो रही है, यहाँ पर कंक्रीट इसके ऊपर पड़ेगी और ये काम हो जाएगा A1। यहाँ पे जो है सरिया लगा दिया और यहाँ पे खुड्डे भी मार दिए ताकि सरियों को सपोर्ट मिल जाए, और यहाँ पे जो है वो मसाला भी तैयार हो गया। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो भी आए हुए हैं और बैठे हुए हैं, सिर्फ काम देख रहे हैं, सिर्फ खाने का इंतजार है। और यहाँ पे मसाला बन गया है, काम तकरीबन पहुँच गया माशाल्लाह से, अपने इख्तिताम पे पहुँचता जा रहा है। तो जनाब जी यहाँ पे जो है वायरिंग का काम भी हो गया, हर खुड्डे में जो है एक एक लाइट है उसका भी जो है वो अरेंज हो गया है। यहाँ पे भी जो है एक पॉइंट दे दिया लाइट का, और यहाँ पे भी जो है वो एक पॉइंट लाइट का दे दिया, तो वायरिंग भी जो है अभी तकरीबन कंप्लीट हो गई है ऊपर की। तो अब जो है ये माल डालते हैं और इसको कम्प्लीट करवाते हैं। फाइनली जी काम स्टार्ट हो चुका है लेंटर का, और भराई वाला काम जो है वो स्टार्ट हो गया। डब्बियों के ऊपर भी जो है वो थोड़ा सा माल डाल दिया ताकि ये हिले ना अपनी जगह से। जियो सिंधी जियो। हाँ जी छा गया छा गया। फाइनली जी मगरिब का टाइम हो गया, जैसे कि आप देखें कि सूरज जो है वो ग़ुरूब हो चुका है, और हमारा जो लेंटर का काम है तकरीबन वो भी कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ कुछ मरम्मत जो है वो इसकी थोड़ी बहुत रह गई है। ये देखिए बाकी जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो गया, बारिश भी जो है वो आना शुरू हो गई है, और अभी इसका कुछ बंदोबस्त कर लेते हैं। कुछ बंदोबस्त रात को इसका करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रात को बारिश आ गई तो फिर काफ़ी मसला हो सकता है। भाई साहब रात को जो है वो बारिश आ गई थी और मैं वीडियो नहीं बना सका था, कंप्लीट नहीं कर सका था, क्योंकि अंधेरा भी हो गया हुआ था और नज़र कुछ नहीं आ रहा था। बट रात को बारिश आना स्टार्ट हो गई थी, जैसा कि आप मेरे पीछे देखें, ये फिर इसको रात को कवर किया और बचत हो गई है। वैसे तो देखें
वैसे तो जो है वो बचत हो गई है। रात को मैं वीडियो एंड नहीं कर सका था, बट अभी मैं इस वीडियो को जो एंड करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप देखते भी जाइएगा कि डे बाय डे जो है हम कैसे इसको तैयार करते हैं। अभी ये सिर्फ नीचे वाला पोर्शन तैयार हुआ, अभी इससे ऊपर वाला पोर्शन भी तैयार होना है और इसके अलावा भी बहुत सारे पोर्शन जो है वो भी तैयार होने हैं। और सामने नज़ारा चेक करें आप, ऑरेंज ट्रेन का, ऑरेंज ट्रेन भी जो है वो आ गई है। चेक करें जी, व्यू चेक करें, व्यू कितना क्लास का व्यू आ रहा है। अगर ये व्यू आपको अच्छा लग रहा है और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी लाजमी करें वीडियो को, कमेंट करके भी बताएं मज़ीद इसको हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, अपना सजेशन भी लाजमी दें। अगली वीडियो में आपसे मज़ीद मुलाकात होगी, दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।